उधर तो मजारों में तशरीफ फरमा है,
बेशक सुभानअल्लाह, इनकी रगों में हमारे प्यारे नबी का मुकद्दस खून होगा। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, ये आले रसूल है, ये आले अली है, ये आले फातिमा है, ये आले हसन और हुसैन है, ये वो है कि जिनके बारे में खुद सरकार ने क्या फरमाया कि जो मेरी आल से मोहब्बत रखेगा वो जन्नत का हकदार बनेगा, और जो मेरी आल से जरासीम की नफरत अदावत दुश्मनी रखेगा वो अपनी आखिरत बर्बाद करेगा। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबकी नजर उनके बेटों से चला करती है और मेरी नजर मेरे नवासों से चली। सुभान अल्लाह सरकार तो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसीलिए अपने नवासों को बेहद प्यार करते थे, बेहद मोहब्बत रखते थे, कभी गोद में लिए हैं, कभी चूम रहे हैं, कभी सूंघ रहे हैं, और कभी कांधे पर बिठा बोलिए। एक बार अपने प्यारे नवासे को अपने कांधे पर सवार किए हैं, वहां तशरीफ लाए, जरा सोचिए कैसा नूरानी मंजर होगा जब सरकार का प्यारा नवासा सरकार के मुकद्दस कांधे से सवार। जिनकी बारगाह के खादिम जिब्राइल अमीन थे, जो सारी कायनात में सबसे आला सबसे अफजल आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे आए में ऊंचे से ऊंचा हर नस हर वो है सवारी बने हुए कि जो सारे ऊंचों में ऊंचे सबसे आला है सबसे अफजल है। इसीलिए तो चीजें ने कहा नेमल मर का सवारी कितनी अच्छी है। जब सरकार ने सुना उसको आए इरशाद फरमाया वो नेमल बाकी है अबू बकर, तुमने सवारी को तो देखा मगर सवार को भी तो देखो, अगर सवारी अच्छी है तो ये भी देखो कि सवार फरमाते थे आप अपने प्यारे नवासों से सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु से सरकार से कितनी मोहब्बत की और क्यों न करते मोहब्बत। इरशाद फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अला मिन अल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हुसैन मुझ से है। ये बात तो अमल में आती है कि सरकार से है इमाम हुसैन कि सरकार की शहजादी फातिमा ज़हरा फातिमा ज़हरा के शहजादे हुसैन तो हुसैन सरकार की बेटी के बेटे थे, इसलिए हुसैन सरकार से है। ये बात तो समझ में आई लेकिन आका ने फरमाया वो अना मिन अल हुसैन और मैं हुसैन से ये तो अकल में आ नहीं रही बात। क्या मतलब सरकार नवासा तो नाना से होता है मगर नाना नवासे से कैसे है, तो मेरे आका ने ये कहकर कि मैं हुसैन से हूँ दुनिया को बता दिया कि इस दुनिया में जो मेरी नजर करेगी वो मेरे नवासे हुसैन से करेगी। अभी सैयदना इमाम हुसैन की पैदाइश नहीं हुई वहां के छिकम में जलवत है, ये आज सरकार की चेष्टी हजरत उम्मुल फज्ल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सरकार की खिदमत में हाजिर हुई
तिगरे शरण हुआ हुआ बहिष्कृत सदा जो है वो खत्म की खीर बोला कन्नी में लौट सरकार की सभी चक्की है हजरत उम्र फल भगवती अल्लाह था हाजिर हुए तिगरे का हुआ हुआ भविष्य घबराई हुई सरकार ने फरमाया चक्की क्या बात है आप इतनी घबराई बड़ी जान को मालूम हो रही है अर्ज किया जाता मैंने ख्वाब देखा उस बात की वजह से मेरे दिल पर घबराहट जारी है इरशाद फरमाया वो ख्वाब क्या है कहने लगे हुजूर वो बहुत सख्त है मैं हर करने की ताकत नहीं इरशाद फरमाया बयान तो करो कहने लगे हुजूर बहुत ही सख्त ख्वाब है बयान करते हुए फिर दिल घबरा रहा है इरशाद फरमाया ख्वाब को बयान करो तो हजरत उम्र फजर ने कहा आपका हुक्म है तो बताती हूँ मैंने ख्वाब में देखा कि आपके मुकद्दस बदन से आपके प्यारे जिस्म से होठ का एक टुकड़ा काटा गया और मेरी मुंह में रख दिया गया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ख्वाब देख कर आज खुली को दिल परेशान घबराहट जारी है इतना डरावना सौ गुना ख्वाब सरकार मुस्कुराए इरशाद फरमाया जट्टी ये ख्वाब तो बहुत अच्छा है ये ख्वाब तो बहुत मुबारक है इसमें घबराहट की क्या बात ये तो खुशी वाला ख्वाब है कहने लगी सरकार ये ख्वाब खुशी वाला कैसे इरशाद फरमाया इस ख्वाब की ताबीर और इस ख्वाब का मतलब ये है कि मेरी बेटी फातिमा के यहाँ शहजादा पैदा होगा और वो शहजादा तुम्हारी गोद में दे दिया जाए जिसको तुम्हें ख्वाब में दिखाया गया सरकारी इस बात की ताबीर से जाहिर फरमा दिया कि हुसैन सरकार जी का एक हिस्सा है हजरत इमाम हुसैन सरकार के महबूब सरकार के प्यारे और वही नहीं कयामत तक कितनी भी इमाम हसन की नजर है इमाम हुसैन की नजर है सब सरकार को प्यारी और सब हमारे लिए काबिल सुभान हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहले हसन ने इसी नस्ल के बारे में इंतजार फरमाया क्या बात रखा उस जमानिस्ताने करम क्या बात रखा उस जमानिस्ताने करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूट आला हजरत कहते हैं इस जमानिस्ताने करम की पहली कली खातून जन्नत बाजवा जहरा हो और पहले फूट इमाम हसन और इमाम हुसैन हो उस गुलशन उस बाग करम इसकी पहली कली फातिमा ज़हरा और जिसके पहले फूल इमाम हसन और इमाम हुसैन है बोलता गया और हर दौर में इसमें कुछ लम्हा कुछ रंग और महकते हुए फूल किसके चले गए इस बात को खत्म करते हैं मगर इस बात के लिए मांग मुस्तफा हो उसे कौन खत्म कर आप ऐसे भी देखते हैं सात सात बेटे आठ आठ बेटे और दूसरों के पास कितनी मिसालें ऐसी मिलेंगी कैसे कैसे बड़े लोग गुजरे लेकिन कहा है उनकी नजरें कहा है उनकी औलाद पता तक नहीं चलता और हजरत इमाम हुसैन को देखिए कर्बला में तीन बेटे थे
और तीन में सिर्फ एक बचे, दो शहीद हो गए। हजरत अली अकबर 18 साल की उम्र थी और 18 साल की उम्र में उन्होंने कर्बला में जाके शहादत किया और अली अकबर उनसे कोई 6 महीने के थे। 6 महीने की उम्र, दूध पीने की उम्र, और आज क्या था कि जालिमों ने 7 मुहर्रम से खाना पानी बंद किया। खाना पानी बंद करने का मतलब क्या? आप सुनते हैं कर्बला वालों पर 7 मुहर्रम से खाना बंद कर दिया गया, पानी बंद कर दिया गया। मतलब खाना पानी बंद करने का मतलब क्या? कैसे बंद किया गया? क्या पानी के लिए कोई सप्लाई लाइन भी इसको काट दिया गया? क्या राशन के जो सराय थे पहुंच रहे थे उनको रोक दिया गया? नहीं, पर मैदान कर्बला में पानी मिलने का एक ही जरिया था, जरिया है कुरान। जरिया पूरी तेजी दिखाता अपना दरिया। अरे भाई के खेलने लगे थे जब भी पानी की जरूरत हुई रात से पानी लाए, खर्च में भर गया। अरे खेमा ने पिया, जब खर्च हो गया तो फिर भर लाए। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला के साथियों को मुराती से पानी मिल रहा था। आप मैदान कर्बला में तशरीफ लाए थे। कैसा हम लोग सुनते हैं अस्पताल सुनते हैं तो कम से कम इतना बताइए कि कर्बला में कै तारीख को तशरीफ लाए? मुहर्रम की 2 तारीख की दो, और सन 61 हिजरी शुरू हुआ था। 61 हिजरी का दूसरा दिन था दो मुहर्रम। आप कर्बला में तशरीफ लाए और 1 हफ्ता बाद 8 दिन बाद 10 मुहर्रम को आपकी शहादत हुई सन 61 हिजरी। और इस वक्त कितनी सन चल रही है? 44 नहीं मालूम, 1444। तो हम आप लोग हमारे दीपों में डाला है, वो हमारे मजहब को मिटाना चाहता है। इसकी हिम्मत जो हमारे मजहब को मिटाए, मिटाई वो चीज जाती है जो हो हमारे पास मजहब रहे। हमको याद ही क्या रहा? ये 1444 हिजरी शुरू हुआ, 1444 वर्ष हुआ, 44 और 1444 तो 61 हिजरी के गुजरे थे। 10 दिन इमाम हुसैन शहीद हुए तो 40 साल उधर पड़े और 43 साल इधर हुए, 43 और बीच में 13 सदी गुजरे। मालूम हुआ इमाम हुसैन भाई साहब को 1383 साल हो गए। इतना लंबे जमाने में तो आदमी दुनिया से जाने वालों को पूरा देता है, उनका नाम और निशान मिल जाता है, मगर क्या शान है इमाम हुसैन ने एक लंबा जमाना गुजरने के बाद मुसलमान दो मुहर्रम को तशरीफ लाए। जैसे ही आप आए तो कर्बला के करीब ही हुआ था। इस वक्त तो कर्बला जगमगाता हुआ बहुत बड़ा शहर है। उस जमाने में बिराम सहरा था, रेगिस्तानी मैदान, फरात के सिवा पानी का कोई जरिया न था, मैदान में कोई आबादी नहीं। हाँ, कर्बला एक टपटप का एक शहर था, वीरान सहरा था, सुनसान जंगल था, एक रेगिस्तानी इलाका था, कहीं कोई आबादी न थी। मगर क्यों किसी कर्बला के सरदार ने हुसैन के तालों को चूमा, मगर जो वीराना था वो जगमगाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो
वहीं पर डिप्टी गवर्नर इतने तैयार था कि उसने फौजें भेजना शुरू की। इमाम हुसैन के साथ कितने हजार थे, हजार क्या वहां सैकड़ा भी जिनमें आपके अहले बैत भी थे, घर वाले भी थे, आपके साथी और आपके दोस्त, आपके चाहनिसार भी थे, कुल तादाद की महत्ता। और इसलिए प्यार से जो पहुंचे थे 100, 200, 1000, 2000 नहीं, मशहूर है कि 22 हजार आज हजरत इमाम अहमद रजा ने फरमाया 30,000 की पहुंचे, 30,000 होती है। पागल हो गया था, महत्ता के मुकाबले पर 100, 200 दे देता, 1,000 दे देता, मगर ये 30,000 कुछ लिए सोच रहेगी मैंने कितनी बड़ी फौज इसलिए भेजी कि मैं 72 को नहीं देख रहा था, 72 से देख रहा था, वो देखना और है, मैंने 72 को नहीं देखा, मैंने 72 ने देखा, और जब 72 ने देखा तो
तब सारी मोड़े
शहाद मुहर्रम से घटना पानी को इसका कुरान पानी हासिल करने का वाहिद जरिया था। कुरान पर फौज का पता लगा खड़े कर दिए फौजी क्या वजह चौकी राइट कर दी शहद पानी पिए बरिंदे पिए जिंदे पिए बुजुर्ग पिए गाफिल पिए कोई पिए लेकिन आले रसूल के कदमों में पानी पिए दूर नहीं जाएगी। साथियों को खबर दिखा कि कुरान हमारा है जिसको चाहे पानी दे जिसको चाहे ना दे लेकिन आज कोई कुरान के उस माहौल में और कुरान के इलाके में जाकर देखे कि कुरान है आदमी गया शहर की गलियों में डूबता फिर रहा इस बाहर आया कुरान के मैदानों में चला चला रहा हूँ कहते थे कुरान हमारा है यजीद कहाँ है इब्ने सियाक कहाँ है शिब्र कहाँ है सनान कहाँ है खौरी कहाँ है 20,000 यजीदी कहाँ है उनमें से किसी की कब्र का निशान ढूंढ रहा हूँ वहां का माहौल बोला वहां की पढ़ाई बोली वहां के सब ढूंढने वाले अब कुरान के इलाके में न यजीद मिलेगा न बेसियाद मिलेगा न शिमर मिलेगा न सनान और खौरी मिलेंगे न 20,000 यजीदियों में से कोई और मिलेगा किसी की कब्र न मिलेगी अब यहाँ मिलेगा मेरे नबी की है ये चाल नारा तकबीर अल्लाह के आलमदार के मगार का जगमगा का हुआ गुंबद ऐलान कर रहा है कि कुरान यजीदियों का कब्जा 3 मील के लिए था उसका ये अलमदार का झंडा तैयार कर तक ले सुभान अल्लाह हमारा है पानी पर की जरूरत पानी खत्म हुआ कहा से आए पानी तो यूं बंद हुआ और खाना पानी के बगैर खाना बने और सूखी चीज भी कोई आदमी खाए तो बगैर पानी के उसको पैदा नहीं कर सकता। जब पानी खत्म हुआ तो खाना अपने आप बंद और सारी और किस लिए बंद किया था इसलिए छोटे छोटे बच्चे हैं नन्नी नन्नी बच्चियां हैं कमजोर लड़के और लड़कियां हैं इनके साथ खवातीन है जब पानी नहीं मिलेगा बच्चे चीखेंगे बच्चियां चिल्लाएंगे लड़के लड़कियां पीटेंगे और अपने घबराएंगी आप क्या कहोगे तो इनकी चीख पुकार सुन जा हुसैन का हौसला टूट जाएगा और हुसैन यजीद की बैत पर तैयार हो जाएंगे और बैत लगी तो इतने कमजोर हो जाएंगे कि फिर लड़ना आसान होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जालिमों की ये सोच थी मगर करबला की शादी है देखो मगर मौलाना सही रघुवरी साहब से पूछो इनसे पूछो करबला की तारीख गए के बड़ा गुजरता है साहब मुहर्रम से खाना पानी बंद हो गया था साहब मुहर्रम गुजर गए सुबह का सूरज आपका सफर तय करने के पक्षे से डूब गया चली गई आठ मुहर्रम को सूरज निकला और फिर पूरब से सफर करता शाम को पश्चिम में जाकर गुलूब हो गया रात आए वो भी आहिस्ता आहिस्ता गुजर गए 9 मुहर्रम का सूरज निकला वो भी अपना सफर करता हुआ गुलूब हो गया मस्जिद में जाकर 10वीं शाम आई वो भी गुजर गए 10वीं मुहर्रम का सूरज निकला इतना औखा दिन हो गया लगातार इसे करबला को और है कि हुसैन की लाइनों से हौसला
नहीं, कोई आवाज नहीं, और फिर दस मोहर्रम की सुबह आई, जंग की तैयारी हुई, और फिर एक एक करके आपके आपके दो रूपा नहीं हुए, और उनकी शहादत के बाद फिर घर वालों की शहादत का नंबर आया, वो इमाम हुसैन के भाई हजरत अक्वाब की बात पर जाकर देखोगे बात का जवाब दे, हजरत अक्वाब इमाम हुसैन के कौन थे? अरे बोलने में कोई चेक करेंगे, बोलिए आप सुनते ही रहते हैं, मैंने भी बोलिए क्या थे, बोलिए जब तक सब नहीं बोलेंगे मैं पूछते रहूंगा, सब मिलकर बोलिए कौन थे? भाई भाई थे, मगर आगे का सवाल उत्तर दीजिए जवाब, भाई थे कैसे? चचेरे चहेरे चहेरे बबेरे कुबेरे कैसे भाई थे? ये तो सुनते हैं भाई हुए तो कैसे भाई थे न कुबेरे थे न कुबेरे थे, इमाम हुसैन के सगे भाई थे, सगे सगे का मतलब जिस तरह इमाम हुसैन हजरत अली के बेटे थे, किसी का उस्मान इस तरह हजरत अली के पांच छह बेटे मैदान करबला में।